तो पिछली बार जाने एक साल पहले भाई हमने एक गर्लफ्रेंड बनाया था, और उस गर्लफ्रेंड का मतलब सेल करके कुछ लिखा था, तो उसको मतलब समझ में नहीं आता आया, गेम प्ले में समझ में नहीं आया था। बाद में पता चला कि वो गर्लफ्रेंड मैंने बनाया है। तो अभी हमारा उम्र भाई 20 साल से 21 साल हो चुका है, और अभी हम देखने वाले हैं क्या डिसीजन लेने वाले हैं। तो हमें स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं आगे जाके क्या डिसीजन मतलब हम ले सकते हैं 21 साल की उम्र में। तो शायद हमारा गर्लफ्रेंड के साथ बात होगी, मतलब ऐसी यही डिसीजन हम शायद दिखा सकते हैं गेम प्ले में। तो स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा बात ना करते हैं। और भाई स्टार्ट हो चुका है, और अभी देख सकते हो भाई कहूँगा शॉपिंग मॉल के कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं, और यहाँ पे भाई साथ में वही वाला जिस लड़की को हमने चूज़ किया था, जानी वो हमारा गर्लफ्रेंड बन चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा मौज कर रहे हैं भाई शॉपिंग मॉल में, और नए नए कपड़े भी खरीदवा रहे हैं हमसे। तो अभी अभी मुझे लगता है कि मुझे चुना लगेगा कुछ बड़ी रकम खरीद बड़ी चीज़ खरीद के, और है भाई लगा दिया चुना, तो 20,000 का भाई चूना लगा दिया, और उस रिंग में शायद लगता है डायमंड लगा हुआ है, इसलिए उस रिंग का मतलब कीमत बहुत ज़्यादा है 20,000 का। और इधर पे एक सिंपल सा रिंग है जो 100 रुपये का, तो हम इधर जब बाय करने वाला चीज़ है हम 100 रुपये के रिंग को ही खरीद लेते हैं। तो देखते हैं भाई हमारे पास पैसा है या नहीं, और हम भाई कोशिश करेंगे। तो ये जिद कर रहे भाई मतलब 20,000 का रिंग खरीदने के लिए, और हम भाई इसी रिंग को खरीदने की कोशिश करेंगे ताकि हम मतलब खरीद सके और गर्लफ्रेंड को खुश कर सके। तो ज़्यादा बात ना करते हैं, चलिए इस रिंग को हम मतलब खरीद लेते हैं। और क्या हुआ भाई, शायद मुझे लगता है मेरे पास पैसा नहीं है भाई, और मेरा गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया। मतलब कितना लूल आदमी है भाई, पैसा नहीं है और भाई शॉपिंग मॉल में लेके आ गए भाई रिंग खरीदने के लिए। तो चलो भाई ये गेम प्ले तो कंप्लीट हो चुका है, अब इसका उम्र बढ़ के हो चुका।